मध्य प्रदेश में फिल्म आदि पुरुष का विरोध शुरू हो चुका है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह राजपूत ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आकाश ने मध्य प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। मंत्री पुत्र का दावा है कि फिल्म के दृश्य सनातन संस्कृति के विपरीत हैं। दरअसल आकाश सिंह राजपूत बड़े उत्साहित होकर क्षेत्रवासियों के साथ फिल्म देखने के लिए गए थे, लेकिन फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये फिल्म हमारे सनातन धर्म और आराध्य प्रभु श्री राम के चरित्र के साथ खिलवाड़ है। इस फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र को बहुत ही कमजोर दिखाया गया है। साथ ही पिक्चर में जानकी माता के वस्त्रों को लेकर भी ध्यान नहीं रखा गया। रावण जो कि रामायण के अनुसार अधर्म पर चलने वाला था, उसका महिमा मंडल प्रभु श्री राम राघव से भी अधिक किया गया है। मंत्री पुत्र के मुताबिक यह फिल्म हमारे बच्चों तथा युवाओं एवं समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। रामायण के नाम पर इस फिल्म में हमारे आराध्य का मजाक उड़ाया गया है, जो कि किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर इस तरह की पिक्चरें बंद होनी चाहिए। आकाश ने कहा कि मैं खुद एक कलाकार हूँ, इसके बावजूद भी इस फिल्म का विरोध करता हूँ। मेरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये अपील है कि इस फिल्म को तुरंत बैन किया जाए। आकाश सिंह राजपूत ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि ये फिल्म हमारे धर्म और आस्था पर प्रहार है, ऐसी फिल्म का बॉयकॉट करें। खासतौर से बच्चों को ऐसी पिक्चर से दूर रखें, क्योंकि बाल मन पर पिक्चरों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति सभ्यता धरोहर की रक्षा के लिए आप सभी आवाज़ उठाएं और आदि पुरुष फिल्म का बॉयकॉट करें। आकाश ने अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से फिल्म का बॉयकॉट करें, ताकि ऐसे फिल्म निर्माताओं के लिए भी मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में हमारे धर्म संस्कृति का कुप्रचार करने वाली फिल्मों का हिंदुस्तान की जनता मुंहतोड़ जवाब देती है। बता दें कि आदि पुरुष रामायण महाकाव्य से प्रेरित फिल्म है। ये फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म और रेटोफाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं के साथ फिल्म आई गई। फिल्म में प्रभास भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि कीर्ति सैनन माता जानकी और सैफ अली खान रावण के रूप में नजर आएंगी।